नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष से जुड़े हुए नए नए विषयों की जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। द शब्द का अर्थ, राक्षसों ने दया निकाला लेकिन देवताओं ने द शब्द का अर्थ दया निकाला लेकिन देवताओं ने द शब्द का अर्थ दान निकाला। तो दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। कुपात्र को यदि दान दे दिया जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं रहता, और सही समय पर दान देने से दान का महत्व बना रहता है और वो फायदा, वो पुण्य, वो आपको प्राप्त होता है। जानेंगे आज राशि अनुसार किस वस्तु का दान हमें करना चाहिए जिससे हमें फायदा मिले। दान तो आप किसी भी चीज का कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज का दान करें जिससे आपको आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार आपको फायदा मिलता रहे। तो दान यदि गुप्त हो तो बहुत ही आनंद रहता है, उसका बहुत ही फायदा रहता है, क्योंकि गुप्त दान महाकल्याण। तो जानेंगे आज राशि अनुसार किस वस्तु का दान आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। यदि मेष राशि आपकी, तो हरे चारे का दान बुधवार के दिन करें आप। किन्नरों को हरी चूड़ियों का दान बुधवार को करें आप। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा आपको, आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां दूर होंगी। पन्ना रत्न भी आप दान कर सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह की चीजों का दान यदि आप बुधवार को करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और अब बात करते हैं वृष राशि की। खीर का दान करें। अंध महाविद्यालय में शुक्रवार के दिन खीर का दान करने से आपको लाभ होगा। कम से कम 7 शुक्रवार आपको खीर का दान करना है और खीर का दान अंध महाविद्यालय में ही करें, क्योंकि जो शुक्राचार्य थे उनकी एक आंख नहीं थी, तो इसलिए यदि अंध महाविद्यालय में शुक्र का दान किया जाता है अर्थात खीर का दान किया जाता है तो वह दान आपको लगेगा और उस दान का फायदा आपको मिलेगा। तो शुक्रवार के दिन अंध महाविद्यालय में आप खीर का दान अवश्य करें। इसके अलावा सफेद बर्फी का भी दान आप कर सकते हैं, सफेद वस्त्र का भी दान आप कर सकते हैं। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। आपकी यदि मिथुन राशि है तो गुड़ का दान करें आप। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। तांबे के बर्तन के साथ में यदि आप गुड़ का दान कर सके तो और भी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। यह दान किसी पंडित को यदि आप करते हैं, मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले यदि आप दान करते हैं तो इस दान का बहुत अधिक फायदा आपको मिलता रहेगा। गुड़ से बनी हुई मिठाई का भी दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दान मंगलवार के दिन ही करना है, आपको फायदा जरूर होगा। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। चने की दाल का दान करें। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करें। पीले वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। हल्दी की गांठों का दान करें आप बृहस्पतिवार के दिन। ऐसा करने से भी शुभता बनी रहेगी, ऐसा करने से भी विशेष लाभ आपको मिलेगा। बात करेंगे सिंह राशि की। काली दाल, सरसों का तेल, कील और सिक्का, इन 4 चीजों का दान आपको शनिवार को करना है।
किसी मांगने वाले को, किसी अपंग को यह दान आप कर सकते हैं। 1.25 मीटर काले कपड़े का भी दान आप कर सकते हैं, लेकिन यह दान शनिवार को ही करना है। और अब बात करेंगे कन्या राशि। काले तिल का दान शनिवार को करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। किन्नरों को भी दान करें, किन्नरों को हरी चूड़ियों का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीले सरसों का दान करें, यह दान आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। और अब बात करेंगे तुला राशि की। चने की दाल का दान बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे से पहले करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। हल्दी की गांठें, इनका भी दान आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, बुधवार की रात को अपने सराहने के पास हल्दी की गांठें रख के सो जाएं। बृहस्पतिवार को सुबह इन हल्दी की गांठों को अपने सिर से आप 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतार कर दान कर दें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। आपके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे और आप बहुत ही ज्यादा खुशियों में रहेंगे। किसी योग्य ब्राह्मण को यह दान करें, ऐसा करके विशेष लाभ होगा। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आपकी यदि वृश्चिक राशि है तो मंगल के लिए आप गुड़ का दान करें। तांबे के बर्तन के साथ में गुड़ का दान यदि मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। यह दान किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। गुड़ से बनी हुई मिठाई का भी दान आप कर सकते हैं। और अब बात करेंगे धनु राशि की। यदि धनु राशि आपकी तो खीर का दान करें। अंध महाविद्यालय में खीर का दान शुक्रवार के दिन करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। आपका जीवन सफल होगा, पुण्यों की प्राप्ति होगी। किन्नरों को भी दान कर सकते हैं आप। और सफेद बर्फी का भी दान आप कर सकते हैं। बात करेंगे मकर राशि की। आपकी यदि मकर राशि है तो हरे चारे का दान करें। बुधवार के दिन हरे चारे का दान करें, किन्नरों को हरी चूड़ियों का दान करें और ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। आपके कार्य बनते चले जाएंगे। यदि हो सके, संभव हो सके तो पन्ना रत्न भी आप दान कर सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि की। कच्चे दूध का दान आप सोमवार के दिन करें। सुबह 8 बजे से पहले इस दान को यदि आप करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। सफेद कपड़ा भी किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। मोती का दान करें। कहा जाता है कि इसने मोती दान किए होंगे तभी इसको ऐसा फल मिला, अर्थात मोती दान सबसे बढ़िया दान माना जाता है। तो इसलिए आपको मोती दान करना है और यदि सोमवार के दिन मोती का दान आप कर सके तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। और अब बात करेंगे मीन राशि की। यदि आपकी मीन राशि है तो गेहूं का दान करें। चंदन की लकड़ी को सम्मिलित करके गेहूं का दान आप संडे के दिन करें, सुबह 8 बजे से पहले। इस दान को करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। केसर का दान भी आप कर सकते हैं। वैसे तो हम दान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी राशि के अनुसार दान करने से दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।